दर्शको श्रमणाचार्य श्री 108 विमर सागर जी महामुनिराज सत्संग 23 पिछी का 23 जून 2022 की प्रातः काल मुरादाबाद के TMU विश्वविद्यालय में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। आपको बता दें कि 3 दिनों के लिए आचार्य सत्संग का प्रवास TMU विश्वविद्यालय में ही रहेगा। ऐसे में महाराज जी के मुखारविंद से छात्रों को धर्म की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब विश्वविद्यालय में किसी साधु का प्रवेश हुआ हो। इससे पहले भी 20 आचार्य और 200 से अधिक साधुओं का पदार्पण हो चुका है। साल 2001 में सुरेश जी जैन द्वारा तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई, जो वर्तमान में TMU विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये यूपी का प्रथम जैन अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय है। इसके साथ ही यहाँ लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी छात्रों को दी जाती है। यही वजह है कि ताकि वो अपने संस्कारों को सुरक्षित रख सके। ये विश्वविद्यालय 140 एकड़ में स्थित है, जो संपूर्ण विश्व में अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर रहा है। आज तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में आचार्य श्री विमर सागर जी महाराज का संघ 23-25 पीछी के साथ यहाँ विराजमान है। आज सुबह वो यहाँ पहुँचे हैं और अभी 2-3 दिन उनका प्रवास यहाँ रहेगा। और आज जब उनका प्रवेश हुआ तो वो एक भव्य प्रवेश था। विश्वविद्यालय के सभी 12,000 छात्र छात्राओं ने, टीचर्स ने, मैनेजमेंट ने और फैकल्टी ने, स्टाफ ने उनका स्वागत किया और बहुत ही भव्य तरीके से उनके यहाँ पर हम लोगों ने उनको लिया है। और उम्मीद करते हैं कि उनके यहाँ रहने से विद्यालय को फ़ायदा होगा, पूरे मुरादाबाद नगर को फ़ायदा होगा। आचार्य भगवान जहाँ कहीं भी जाते हैं उनके पुण्य का प्रताप सभी जगह होता है, उसका लाभ हम सबको मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका ये प्रवास नगर के लिए, हम सब के लिए, विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही शुभ होगा, अच्छा होगा और सुखदायी होगा। धन्यवाद।